हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुशहाल भी होंगे। तो कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुरानी वीडियो मेरे पास था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी आज शेयर कर लेती हूँ। गांव जाने से पहले मैंने वीडियो बनाई थी, गांव मैंने जाकर आ चुकी हूँ, फिर भी मेरी तबीयत मेरी साथ नहीं दे रही है, इसी वजह से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मैंने आपके साथ, पुरानी वीडियो था तो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ अगले दिन से कंटिन्यू वीडियो डालने के लिए। तो मेरे साथ जो कुछ बने रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ आप लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। इसी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि किसी की सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है इसी वजह से। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ढेर सारे कपड़े मैंने मशीन पर धोकर यानी साफ़ कर ली, उसके बाद यहाँ पर सुखा कर दोबारा मशीन में धो लेती हूँ, क्योंकि वो ढेर काम मेरे पास काम है। तो इसी वजह से मैंने बाथरूम जाकर कपड़े धुलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसी वजह से, क्योंकि गांव जाने वाली थी इसी वजह से ढेर सारे काम मेरे पास पड़ा था। तो इस तरीके की मैंने सारी काम कर रही हूँ। तो फटाफट साफ खाना बनाते बनाते यहाँ पर कपड़े भी मैंने साफ़ करे हूँ। यहाँ पर दीदी भी मुझे थोड़ी सी हेल्प कर रही है, यानी कटहल को काट रही हैं। दीदी यानी मेरी ननन, जो कुछ मेरे साथ बने हैं सबको पता है। तो किचन की हालत भी देख लीजिए, बिल्कुल गंदा होकर पड़ा है। तो इस तरीके की मैंने यहाँ पर कपड़े भी मेरे सूख चुका है, मैंने अब छत के ऊपर जाकर सुखा कर ले आऊँगी। और दीदी के साथ यहाँ पर मेरे भी थोड़ी सी बातें हो रही है, क्योंकि घर में जो जब दो महिला होती है ना, मिलजुल कर काम करने से हमारी काम भी आसान हो जाती है। तो चलिए मैं कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ, बाद में आपके साथ बातें करूँगी। आज मैं आपके साथ एक सुंदर सा टॉपिक लेकर आई हूँ, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमारे घर में हम कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं, यानी जॉइंट फैमिली से हम कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल आसान तरीका, कोई झंझट नहीं होती है मिलजुल कर रहने से। मिलजुल कर रहने से सारी समस्या भी दूर हो जाती है, घर में छोटे बड़े जितने सारे समस्या आती है ना, सारी समस्या को हम दूर कर सकते हैं। सिर्फ हम यानी हाउस वाइफ ही एक काम कर सकते हैं, जब हम मिलजुल कर घर को रखना होती है ना, एक हाउस वाइफ ही की भूमिका ज़्यादा मायने रखती है। तो एक महिला किस तरीके के एक परिवार को जोड़ कर रख सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरी वॉशिंग मशीन कुछ दिनों से भी ख़राब था, इसी वजह से मैंने हाथ में कपड़े धुल ली थी। हस्बैंड उसको ठीक भी कर चुके हैं, लेकिन फिटिंग वगैरह नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पीछे वाली जो कवर यहाँ पर रख ली। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। तो आज मैं फिर से एक सुंदर टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। तो आज मैं बताऊंगी परिवार में हंसी खुशी से कैसे रहे, सबको मिला जुला कर हम कैसे रख सकते हैं, एक हाउस वाइफ भी कर सकते है, ये काम और कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ हम कर सकते हैं। हम किस तरीके से करते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए खाना बनाते बनाते मैं आपके साथ भी बातें कर लूंगी। तो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की डालमा। इसका रेसिपी मैंने आपके साथ कुछ दो तीन बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर खाना बनाते बनाते आप लोग समझ जाइए, उसी टाइम में हम कुछ बातें कर लेते हैं। हम मैं बता रही हूँ कैसे मिलजुल कर हंसी खुशी से कैसे रहेंगे। घर में एक महिला हो तो ठीक है, सारी काम अपने को कर लेता है, लेकिन घर में जब दो तीन लोग रहते हैं, एक ही महिला के मन में आती है कि मैं अकेला काम कर रही हूँ, घर में ढेर सारे लोग होती है तो वो क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन इसी वजह से मन में थोड़ी सी, एक दो दिन तो चल जाती है, चार दिन चल जाती है, एक हफ्ते भी चल जाती है, लेकिन इस तरीके जब एक महिला काम करते हैं कंटिन्यू, तो उनके मन में भी थोड़ी सी बदलाव आ जाती है। मेरे मन में भी आया था, आपके मन में भी आ चुका होगा। इसी बदलाव को आप गुस्से में ले जाते हैं, लेकिन ये सब बात हम गुस्से में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम हैं घर की महिला। तो हम जब अपना काम अपने टाइम पर कर लेते हैं, तो दूसरों को हम दूसरों के इंतज़ार हम क्यों करेंगे।
क्या कौन कर रहा है, कौन कुछ नहीं कर रहा है, ये सब बात हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जो काम हमको करना है हम कर लेंगे, और जितना काम रहेगा उनकी बारी आएगा तो वो लोग भी कर लेंगे। क्योंकि एक बहू को खाना बनाना होती है, घर झाड़ू लगाना होती है, घर को साफ सफाई करना होती है, लेकिन घर के बाद वो ढेर सारे काम होती है जो सास ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारी जेठानी देवरानी सबके काम अलग अलग होती है, सबको पता होती है ये काम मुझे करना है, तो वो लोग ज़रूर कर लेंगे। जब हम अपनी काम कर लेंगे तो और दूसरा जितना सारा काम होती है ना वो सब कर लेंगे। जब हमकी मन की बात हमारी हस्बैंड के आगे से आने के बाद हम उनके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि किसी के जैसे हमारी सास जी की बात देवरानी से हम बातें करते हैं, ननंद की बात देवरानी से बात करते हैं, कभी ना कभी यानी किसी ना किसी दिन वो लोग उनको बता लेते हैं, तो उसके बाद हमारे घर में एक झगड़ा की मोड़ आ जाती है। इसी वजह से घर में अनाम शनाप बातें भी होती है, घर में ढेर सारे बातें होती है जो बात हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बाद में। तो इसी वजह से सारी बात को हम दूर में रखते हुए मन में कोई बात हो तो सिर्फ अपने आप तक रख लीजिए, किसी के साथ ये बात शेयर भी मत कीजिए। जो अपना होती है, जो आपको विश्वास करते हैं उनके साथ ही सिर्फ शेयर कीजिए, नहीं तो किसी के साथ ये बात को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम शेयर करने से क्या होता है कि घर में ज़्यादा परेशानी आ जाती है, घर में दरार भी आ सकती है। तो हम एक महिला होने के नाते हमारी घर की लक्ष्मी भी हम होती है, तो घर की लक्ष्मी कभी भी किसी भी परिवार को टूटने नहीं देना चाहिए, सब परिवार को मिला जुला कर रखना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी बात। तो आपको मेरी बात पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पर कटहल के डालमा बन गई, यहाँ पर बिना प्याज लहसुन से मैं बना रही थी, सिंपल तरीके से मैंने डालमा तो बना ली। आज लंच में इस चावल के साथ मैंने डालमा बनाई थी, लेकिन मैं आज चावल नहीं खा रही हूँ, इसी वजह से यहाँ पर पराठा बना लेती हूँ। क्योंकि आज थी उसी दिन थी मंगलवार, चैत्र मास की मंगलवार, तो मैंने चावल वगैरह नहीं खाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने पराठा बना रही हूँ। पराठा बनाने के बाद हम सब लोग लंच कर लेंगे। तो आज की छोटी सी टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ज़्यादातर चैत्र मास मंगलवार की मैंने चावल नहीं खाती, मैं नहीं, ज़्यादातर लोग चावल नहीं खाते हैं, कोई कोई खा लेते हैं, यानी सफ़ेद जो हरा चावल यानी अरवा चावल होती है बनाकर खा लेते हैं, लेकिन जो बॉयल्ड राइस नहीं खाते हैं, जिनको जो कुछ पसंद है वो करते हैं। तो यहाँ पर मेरी लंच भी बन गई, लंच बनते बनते आज की वीडियो भी हम यहीं पर एंड करती हूँ।